ऋषि कपूर के बाद बॉलीवुड के एक और हस्ती ने गांधी परिवार पर हमला बोला है। जी हां, ओमपुरी ने कांग्रेस पर एक साथ कई सवाल दागे हैं। पहले से ही मुश्किलों में घिरी है कांग्रेस और ओमपुरी के निशाने पर है। राहुल गांधी की समझदारी पर ओमपुरी ने सवाल उठाए हैं, राहुल को नासमझ बताया है। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति इसलिए बनाया गया ताकि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाए। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कठपुतली बताया है। तो देखिए, हमारे पास तो कोई चॉइस है नहीं सिवाय मोदी जी की गोदी में बैठने के, और हमें किसी की गोदी नजर नहीं आ रही है। बाकी गोदियां हमने देख ली हैं। मनमोहन सिंह, अब बेचारे मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अब उनको आपने कठपुतली बना के बैठा दिया 15 साल के लिए। वो तो ऊपर ही नहीं देखते थे, हमसे आंखें नहीं मिलाई उन्होंने 15 साल, ऐसे ही पढ़ते थे वो। अरे कभी तो आंख मिला के बात करो, तो मोदी जी कम से कम आग मिला के तो बात करते हैं, और उनके पास भाषण लिखा हुआ भी नहीं होता। मोदी जी क्या, मैं कहता हूँ सब राय देखा करेंगे इस तरह की फिल्में। वो माता जी जो हैं अपने सोनिया जी, अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर, अरे उसकी उम्र देखो, उसका तजुर्बा देखो, वो जब बोलता है उसको सुनो। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या इस देश को? दूसरे नेता नहीं है प्रणब मुखर्जी, ही वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस, वेरी लर्नड स्टेट्समैन, ही बीन इन द कांग्रेस फॉर सो लॉन्ग। उसको आपने बेटे को आगे करने के लिए आपने उनको प्रेसिडेंट बना के निकाल दिया। और भी लोग हैं, इसीलिए तो लोगों ने उठा के पटका है ना। आप बेवकूफ समझते हो लोगों को, हम आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन देना ही नहीं करते कांग्रेस में। अतीत में ये जो हम ये दिए घूम रहे हैं कनेक्टिविटी, ये राजीव गांधी की देन है। ये कंप्यूटर्स और ये जो मार्केट खुली है, इतने डॉलर देश में आए हैं,